देना बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। अंकन, लेकिन एकदम पलटा हुआ गेम नजर आया है पाकिस्तान का। भारत के साथ जब खेल रहा था तो इनकी फील्डिंग भी बहुत खराब थी, रन आउट भी नहीं कर पा रहे थे, कैच भी नहीं कर पा रहे थे। आज बिल्कुल बदला हुआ गेम, चाहे गेंदबाजों की बात करें या फिर बल्लेबाजों की। जी आपने बिल्कुल सही कहा, जो फील्डर्स थे आज पाकिस्तान के वो कुछ ज्यादा ही मुस्तैद लग रहे थे। कुछ रनआउट भी किए, एक रनआउट जो किया था उसका सरफराज अहमद ने वो बहुत शानदार था। दूसरा अहमद शहजाद ने रनआउट किया था राशिद का, वो भी काफी अच्छा रनआउट था। फील्डर बिल्कुल दुरुस्त थे, गेंदबाज बिल्कुल लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। और बल्लेबाजों की क्या कहें, बल्लेबाज भी पाकिस्तान के बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। अजहर अली की बात करें आप या फखर जमान की, दोनों ही बल्लेबाजों ने जो ओपनिंग होती है ओपनिंग में पाकिस्तान को बिल्कुल मजबूत कर दिया ताकि नीचे के बल्लेबाज जो 212 का जो टारगेट था उसको आसानी से अचीव कर सके। अंकल, लगता है भारत के सामने जो शिकस्त मिली थी, इतनी करारी शिकस्त, उसके बाद जो पाकिस्तान में इतने सारे टीवी फोड़े गए थे, ये उसका असर था? जी बिल्कुल, यही इसका है। और पाकिस्तानी टीम के ऊपर एक इंक्वायरी भी बैठी थी, वहाँ पीसीबी ने एक इंक्वायरी बैठाई थी पाकिस्तानी टीम के ऊपर जब भारत से हार मिली थी पाकिस्तानी टीम को। लेकिन उसके बाद आप किसी भी लीग मैच की बात करते हैं या फिर सेमीफाइनल में इस मुकाबले की बात करते हैं, पाकिस्तानी टीम बिल्कुल अलग रंग रूप में है। उनके कप्तान के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नजर आता है। उनमें वो जिस तरीके की बातें करते हैं, उनके कोच उनकी ऑफिस में वो जिस तरीके की बातें करते हैं, उनके खिलाड़ी है उनमें अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आ गया है बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो 10 साल पहले 2007 जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी पहले भारत से हारा था पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद उसने फाइनल में जगह जरूर बना दी थी, लेकिन उसके बाद फाइनल में भी भारत से हारा था। तो क्या लगता है एक तरह से वही तस्वीर 10 साल बाद रिपीट होगी? जी हाँ बिल्कुल, यही तस्वीर रिपीट होनी चाहिए, सिर्फ लोकेशन बदल जाएगा। पिछले बार जोहान्सबर्ग में ये हुआ था कारनामा, इस बार ओवल में यही कारनामा होने वाला है। फिर भारत तो कह रहा है कि हम इसको प्रैक्टिस मैच की तरह लेंगे जो बांग्लादेश के साथ होने वाला है, और बांग्लादेश की तरफ से बहुत ज्यादा आक्रामकता दिखाई दे रही है, चाहे उनके फैंस की तरफ से हो या फिर खिलाड़ियों की तरफ से। क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या एक केक वॉक टाइप का होगा मैच, जैसा कि भारत सोच रहा है कि प्रैक्टिस मैच की तरह होगा, या फिर दुश्मन को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए? देखिए कप्तान विराट कोहली का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी विरोधी टीम को वो नाइट की नहीं देंगे। सेमीफाइनल मुकाबला जो कल खेला जाना है उसको भी वो उसी तरीके से खेलेंगे जिस तरीके से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, और उसी तरीके से हार हराने की कोशिश करेंगे वो बांग्लादेशी टीम को। बांग्लादेशी फैंस की बात करें तो जब भी भारत और पाकिस्तान